जोबट बांध के 13 गांव डूबा है, इतना पानी भर गया है और टापू में पूरे मकान भी आए हैं। हमारे झाड़ पौधों आरक्षा पूरा डूब में लिया है, लेकिन इनका कोई मुआवजा नहीं सही साठ दिया है। किस चीज का मुआवजा दिया, जमीन का दिया या पेड़ पौधों का दिया? नहीं, बताया नहीं ने, कहीं नहीं बताया कि ये जमीन का है कि वृक्षों का है कि कुएं का है कि पाइपलाइन का है, कि ये कुछ नहीं बताया। अच्छा, ऐसा गुमशुदा में हमको पकड़ा दिया। नर्मदा बचाओ आंदोलन से हम जुड़ने से फिर पता लगा कि भाई जमीन के बदले जमीन, वृक्षों का भी और कुएं का अलग है, पाइपलाइन का अलग है, ये वयस्क पुत्रों के अलग है, ये पुनर्वास अलग है, ये नीतियाँ हमको अब पता लगा। जमीन की नीति थी लेकिन जमीन सरकार ने बताई हमको, हम जरा धार जिले में, लेकिन जमीन नहीं दी है। ये भी नहीं बताया कि जमीन का क्या एकड़ का कीमत में दे रहे हैं, और 10,000 या 15,000 या 1,00,000 या 1.5 लाख का, और हमको इसे मुआवजा पकड़ाया। और मुआवजा लेके हम कहीं बाहर जमीन खरीदने गए तो 1 एकड़ की कीमत लगभग 10 लाख से 12 लाख की 15 लाख की कीमत होती है। धमकी दबाव दे के ये मुआवजा दे गया है, इसलिए हमको लड़ना पड़ रहा, और आखिरी में हमको जानकारी नहीं थी, नहीं तो हम पहले से लड़ाई लड़ के हम जो मुआवजा मिला है वो नहीं लेते। 13 गांव में जांच करने की बात हुई थी, तो जांच में लगभग माछलिया गांव में जांच हुई है और बाकी 12 गांव बाकी रह गया। सरकार ने कलेक्टर के ऊपर दबाव डाल के सरकार ये कलेक्टर को बदली कर दिया है, तो यहाँ बाकी 12 गांव में जांच नहीं हुई, 1 गांव में जांच हुई। अधिकारी और इंडिया ने दबाव धमका के हमको जो मुआवजा दिया है, ये मुआवजा नहीं लोगे तो ये सरकार के पैसे है वो वापस लिप्सा हो जाएगा, तो तुमको ये भी नहीं मिलने वाले, ऐसे ऐसे करके घर पे आए और हमारे से रिश्वत भी लिया है। प्लाट के बदले में हमको 38,700 रुपये दिया गया है, इसके बदले में हमको वो जानकारी नहीं थी। खाली ये बताया कि जो 18 साल उम्र हो गया इसका तुमको ये मिलेगा कि 38,700, लेकिन तुमको 5,000 तुमको देना पड़ेगा रिश्वत, तो ये 38,700 का चेक देंगे। कैसे हजारों लोगों लाखों लोगों से ये लूटपाट हमारे से हुई है। सरकार कहीं हमारे घर के घर में आके और हमारे गांव में आके सर्वाई नहीं करे और गांव में आके लिखा पढ़ी नहीं करे, ऐसे लोग भी हमारे घोषित है और एक पत्रों का 38,700 यहाँ इनको घर पलट देने के लिए बाकी वो भी लोग रह गए, तो इनका लगभग 40-50 साल के उम्र है, अभी तक इनको घोषित में नहीं लिया है, कानून में बनाया वो हमको पूरा लाभ मिलना चाहिए, और जमीन के बदले जमीन की मांग है। लोगों की मांग के अनुसार उन्हें जमीन के बदले जमीन दिया जाए, इसलिए इस वीडियो को देखने वाले सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि आप भी हमारी मदद करें। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के पुनर्वास के संयुक्त संचालक श्री माथुर जी, जिनका मोबाइल नंबर है 9893519103, पर कॉल कर दबाव बनाए जिससे कि विस्थापितों को अपना अधिकार मिल सके। मैं पवन सोलंकी, ग्राम माछलिया, जिला अलीराजपुर, मध्य प्रदेश से इंडिया अनहर्ड के लिए।